उत्तर तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक और दुनिया भर में करोड़ों आस्थावान सम्मान के साथ ये दृश्य देखकर आंख में आंसुओं के साथ भाव विभोर होते हुए मैंने भी देखा है मित्रों। करोड़ों लोगों ने जिसके लिए हमेशा संकल्प लिया, लाखों लोगों ने बलिदान दिया, वो 125 साल की लड़ाई का अंत नरेंद्र मोदी जी के शासन में हुआ और देश को पुनः इनको ये मंदिर पत्थर से बना हुआ प्रभु श्री राम का मंदिर लगता है। मैं ऐसा कहता हूं कि आजाद तो देश 75 साल पहले हुआ था, देश के अंदर प्राण पुरने का काम नरेंद्र मोदी जी ने अब किया। ये देश भारतीय परंपराओं से चलना चाहिए, भारत की संस्कृति के आधार पर चलना चाहिए, ये देश भारत के स्व के आधार पर चलना चाहिए। हमारी भाषाओं का सम्मान करते हैं तो विरोध करते हैं, हमारी संस्कृति का सम्मान करते हैं तो विरोध करते हैं, हमारी परंपराओं का सम्मान करकर सेंगोल को प्रस्तापित करते हैं तो विरोध करते हैं। उनका काम ही यही है। और सबको आश्चर्य होता है ऐसा क्यों करते हैं, मुझे नहीं होता है, क्योंकि जिनके मूल ही इटली में हो वो इस देश के परंपराओं का सम्मान नहीं कर सकता। अपेक्षा रखने ही ठीक नहीं है मित्रों। ढेर सारे ऐसे काम करें, सीए लाकर पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो अनेक हिंदू शरणार्थी आए थे, बौद्ध शरणार्थी आए थे, जैन शरणार्थी आए थे, उनको नागरिकता देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। वर्षों से इस देश में ट्रिपल तलाक होने के कारण मुस्लिम माताओं बहनों के साथ अन्याय होता था, ट्रिपल तलाक की अन्यायी कानून को भी समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। सरदार पटेल, मौलाना आजाद और जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, ये सभी कहकर गए थे इस देश में समान नागरिक कानून होना चाहिए, यूसीसी होना चाहिए। यूसीसी नहीं लाते थे क्योंकि मत बैंक की चिंता थी। उत्तराखंड सरकार ने देश में पहला राज्य बना भाजपा का जो यूसीसी लेकर आया, कॉमन सिविल कोड के लेकर आया। मित्रों, कई सारे ऐतिहासिक काम मोदी जी ने किए। हमारे यहां 3 बड़े हॉटस्पॉट हुआ करते, कश्मीर, वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र और नॉर्थ ईस्ट, ये तीनों हॉटस्पॉट आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण आज बहुत अच्छी स्थिति है। मैं 2004 से 14 में हिंसक घटनाएं 33,000 हुई थी, अब सिर्फ 8,000 हुई है, और नागरिकों की मृत्यु 11,000 हुई थी, अब 2,600 हुई है। पूरे तीनों क्षेत्रों के अंदर शांति करने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। मित्रों, कोरोना आया तब मैं देश का गृह मंत्री था, आज भी हूं। उस वक्त पूरा दुनिया चिंता करता था कि भारत का क्या होगा। हम सब जानते हैं हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था कि हम इस संकट का सामना कर पाए। वो अपने देश की चिंता नहीं करते थे, हमारी करते थे, हमारे प्रति अच्छे भाव से ही करते थे। परंतु जब कोरोना समाप्त हुआ तब स्थिति उल्टी हो गई। उनके यहां स्थिति नहीं संभली, हमारे यहां 130 करोड़ लोगों को दो दो टीका टेक्नोलॉजी का उपयोग कर समय। मैं मेरा अपना ही बात करता हूं, मेरी बहन को यहां आना था, उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, टीका लग चुका है। मैंने बोला भाई ले लो सर्टिफिकेट, कि नहीं, वेटिंग लिस्ट है 180 दिन का सर्टिफिकेट लेने में। मैंने बोला हमारे यहां तो भाई टीका लगता है, 5 ही मिनट में मोदी जी की हंसती हुई फोटो के साथ सर्टिफिकेट मोबाइल पर आ जाता है। 130 करोड़ के देश में कहीं लाइन नहीं, कहीं धक्का मुक्की नहीं, कुछ नहीं, मोदी जी ने कॉफी भी पिलाया और टीका भी लगा दिया। और इसमें भी इन्होंने विघ्न कर, राहुल बाबा ने कहा टीका मत लगाइयो, ये तो मोदी टीका है, जनता उनकी सुनती नहीं, हम सबको मालूम नहीं, सबने टीके लगाए, फिर रात को अंधेरे में जाकर एक बार वो खुद भी टीका लगा कर आ गए। अरे शर्म करो, शर्म करो। कोरोना जैसी स्थिति में भी आप देश में एक मत नहीं रख सकते हो, किस प्रकार का राजनीतिक दल हो। मित्रों, कोरोना के खिलाफ हम लड़ाई जीते, इसका कारण कई लोग मुझे पूछते हैं, कई लोग कहते हैं कि वैज्ञानिकों के कारण जीते, डॉक्टरों के कारण जीते, पुलिस ने अच्छा व्यवस्था करी, जनता सेल्फ डिसिप्लिन थी, ब्ला ब्ला ब्ला, कितने ही कारण कहते हैं।
मैं सब हमेशा कहता हूं कोरोना के खिलाफ भारत विश्व में सबसे अच्छा प्रदर्शन कर पाया। इसका एकमात्र कारण है कि पूरी दुनिया में कोरोना के खिलाफ सरकारें लड़ी, यहां कोरोना के खिलाफ सरकार के साथ साथ 130 करोड़ की जनता ने भी लड़ाई। लाल बहादुर शास्त्री के बाद मैंने ऐसा पहला प्रधानमंत्री दिखा जिसके एक कॉल पर कल हम जनता कर्फ्यू करेंगे, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा और पूरे देश के अंदर सब लोग घर के अंदर रहे, कोई सरकारी ऑर्डर नहीं था और मोदी जी का सम्मान किया। थाली बजाना कहा, थाली बजाई, दिया जलाना कहा, दिया जलाया और इससे सामूहिक लड़ाई का मन पैदा कर कोरोना के खिलाफ सेल्फ डिसिप्लिन जनता की लड़ाई की नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी ने करो। ये कहते रहे कि थाली बजाने से कोरोना भागेगा, दिया जलाने से कोरोना भागेगा। वामपंथी विचारधारा और उसके प्रभावित ग्रसित सभी राजनीतिक दल बोलते रहे, मोदी जी ने सिद्ध कर दिया कि जनता की ताकत को ऐसे नुक्सों से ही, ऐसे परंपराओं से ही साथ में लिया जा सकता है और सरकार की लड़ाई को जनता की लड़ाई बनाकर ही इस पर विजय। इतना ही नहीं, सबसे पहले कोरोना का टीका बनाने वाले देशों में हमारा देश रहा और हमने 100 से ज्यादा देशों में कोरोना के टीके भेजकर एक विश्व मित्र की भूमिका निभाई। मुझे बरोबर याद है, पहले टीके आते थे तो भारत में आते आते और लगते लगते 40-40 साल हो जाते थे, 40-40 साल। इस बार टीका भी यहां सबसे पहले बना और टीका यहां सबसे पहले लगा और दुनिया के 100 देशों में टीका पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया।